नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज के ऑनलाइन अभ्यासक्रम में हम बात कर रहे हैं कक्षा 12वीं के विषय हिंदी की, जिनमें हमारा आज का अभ्यास का टॉपिक है उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत करना। आज हम ऑनलाइन अभ्यासक्रम में उपभोक्ता के संरक्षण संबंधित उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत प्रकरण का अध्ययन करेंगे, जिनमें हम देखें तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तरों पर विभिन्न उपभोक्ता मंचों की स्थापना की गई है, जिनमें उपभोक्ताओं की शिकायतों के लिए सरल, शीघ्र तथा कम खर्चीला निवारण प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। यह सिविल न्यायालय की तरह कार्यवाहियों की साधारण प्रक्रिया का एक विषय है या तो विकल्प है। तो प्रस्तुत पाठ में उपभोक्ता मंचों में शिकायतें दायर कराने संबंधी संपूर्ण जानकारी दी गई है, जिनके बारे में अब हम अधिक जानकारी यहाँ पर देखते हैं। तो प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। यह हमें एक वाक्य के प्रश्न में भी पूछा जा सकता है कि विश्व उपभोक्ता दिवस या तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो हम बात करें कि इस प्रकरण के अंतर्गत दी गई कुछ जानकारी के उपयोग करके हम हमारे साथ होने वाली धोखाधड़ी से भी बच सकते हैं। तो जानते हैं उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत करना क्या है। तो आज सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा या इंटरनेट के ज़माने में पूरे विश्व की सूचनाएं हमारी मुट्ठी में हैं। आज सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, ऐसे में हम भी एक छोटी शिकायत करके बड़े नुकसान से बच सकते हैं। अखबारों में हम कई बार उपभोक्ता मंच से संबंधित किस्से पढ़ते हैं या इंटरनेट के जरिए समाचार देखते हैं, जिनमें लोगों के ठगे जाने के समाचार प्राप्त होते हैं। और ऐसे कई किस्से हम सुनते हैं तो हम भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ, बस, पेट्रोल पंप और अन्य क्षेत्रों में त्रुटिपूर्ण वस्तुओं और सेवाओं से होने वाली असुविधा के लिए उपभोक्ता मंच में शिकायत कर सकते हैं और होने वाली धोखाधड़ी से बच सकते हैं। तो आज हम देखते हैं कि जैसे जैसे प्रतियोगिता में वृद्धि हो रही है, जैसे जैसे बिक्री या बाजार में चीज़ों का हिस्सा बढ़ाने का प्रयत्न हो रहा है, उसमें निर्माता या सेवा प्रदानकर्ता असुरक्षित उत्पादक, मिलावट, झूठा और गुमराह करने वाले विज्ञापन, जमाखोरी, कालाबाजारी आदि अनुचित तरीके अपनाने का लालच करते दिखाई दे रहे हैं। ये लोग कई बार लोगों को घटिया क्यों ही कोई भी ऐसी चीज़ें बेच देते हैं, या तो तय कीमत से अधिक कीमत भी वसूल लेते हैं। कई बार वस्तु की मात्रा भी कम कर दी जाती है। तो ऐसी धोखाधड़ी समय के साथ किसी न किसी उपभोक्ता के साथ होती ही रहती है। इस प्रकार सरकार ने उपभोक्ता यानी हर चीज़ों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की हितों की रक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भी बनाए हैं। यहाँ पर उपभोक्ता किसे कहते हैं, तो कोई भी चीज़ का उपयोग करने वाले व्यक्ति को उपभोक्ता कहते हैं। और यदि वे कोई भी चीज़ खरीदता है तो उनके साथ जब उनमें धोखाधड़ी होती है, तो उन धोखाधड़ी से बचने के लिए सरकार ने उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाए हैं। सरकार ने उपभोक्ताओं को कई सारे अधिकार भी दिए हैं। तो सरकार ने उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए कई तरह के विज्ञापन भी आज जारी किए हैं। अगर हमारे साथ एक उपभोक्ता के तौर पर सामान खरीदने वक्त कोई धोखाधड़ी करे तो हम उसकी शिकायत उपभोक्ता फोरम में दर्ज करवा सकते हैं। कंज्यूमर फोरम में व्यक्ति 100 रुपये की फीस से 1,00,000 रुपये तक के दावे के मुकदमे पेश कर सकते हैं। तो ये उपभोक्ता न्यायालय या कंज्यूमर कोर्ट क्या है, उनके बारे में अब हम अधिक जानकारी देखेंगे। तो यह भारत में उपभोक्ता के
हितों की रक्षा के लिए विशेष उद्देश्य से बनाया गया एक न्यायालय ही है। यह न्यायालय भारत सरकार ने उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा और देखरेख के लिए बनाए हैं और ये उपभोक्ता की सभी शिकायतों को सुनते हैं और उचित फैसला लेने का अधिकार भी रखते हैं। इनका मुख्य कार्य सुनिश्चित रूप से कराना है कि विक्रेता के प्रति ईमानदार रहे, जिससे व्यवसाय भी ठीक तरह से हो और उपभोक्ता का शोषण भी न हो। तो उपभोक्ता न्यायालय की अधिक जानकारी अब हम यहाँ पर देखते हैं कि उपभोक्ता शिकायत निवारण की क्या व्यवस्थाएं हैं, या तो शिकायत कौन दायर कर सकते हैं, या तो उपभोक्ता जागरूकता क्या है, जागरूक ग्राहक जागो का नारा क्यों आज प्रचलित हो गया है, मानकों का उन्नयन क्या है, या तो हम कोई भी शिकायत का आवेदन किस तरह कर सकते हैं और उनमें कैसे कैसे आवश्यक दस्तावेज की जरूरत रहती है, इन सभी बातों की जानकारी अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि उपभोक्ता शिकायत निवारण क्या है। उपभोक्ता शिकायत को सरल, शीघ्र और कम खर्चीला और निवारण प्रदान करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर एक 3-स्तरीय अर्थ न्याय की मशीनरी की संकल्पना की गई है। यह एक सिविल न्यायालय के समक्ष कार्यवाही की साधारण प्रक्रिया का एक विकल्प है। ये मंच उपभोक्ता की शिकायतों के लिए सरल, शीघ्र तथा कम खर्चीला निवारण प्रदान करने के लिए अधिपेशित है। शिकायत निवारण की 3 एजेंसियां हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और जिला फोरम, जहां पर व्यक्ति अपने किसी भी सेवा में हुई त्रुटि की शिकायत कर सकता है। तो आगे हम देखते हैं कि शिकायत कौन दायर कर सकता है, या तो शिकायत कहां दायर करें, जिनमें शिकायत कौन दायर कर सकता है उनके बारे में देखें तो शिकायत दायर करने का अधिकार किसे है। तो उपभोक्ता किसी सेवा या वस्तु से संतुष्ट नहीं है तो उसे शिकायत करवाने का अधिकार है। किसी वस्तु या सेवा के संदर्भ में एक ग्राहक द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, या कंपनी अधिनियम या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत पंजीकृत किसी स्वयंसेवी उपभोक्ता संगठन द्वारा भी शिकायत दायर की जा सकती है। केंद्र सरकार और कोई राज्य सरकार द्वारा भी शिकायत दायर की जा सकती है। एक या अधिक उपभोक्ता जहां अनेक उपभोक्ताओं की एक समान शिकायत है, या एक उपभोक्ता को मौत हो जाने पर उसके कानूनी वारिस भी या उनके प्रतिनिधि भी शिकायत दायर कर सकते हैं। अधिनियम के तहत पावर ऑफ अटॉर्नी धारक शिकायत दायर नहीं कर सकता। तो किसी व्यापारी द्वारा यदि उपभोक्ता को हानि हुई है, खरीदी गए सामान में यदि कोई खराबी है, किराए पर ली गई सेवा में कोई कमी पाई गई है और विक्रेता ने अधिक मूल्य लिया है, तो इन सभी मामलों में शिकायत दायर की जा सकती है। इनके अलावा किसी कानून का उल्लंघन करते हुए जीवन और सुरक्षा को जोखिम पहुंचाने वाले सामान जनता को बेचा जा रहा है, तो इसके लिए भी हम शिकायत दायर कर सकते हैं। शिकायत कैसे दायर करें, या तो शिकायत कहाँ दायर करें, तो उपभोक्ता शिकायत को शीघ्र, सरल और कम खर्चीला निवारण प्रदान करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण नियम के अंतर्गत उपभोक्ता की शिकायत निवारण की कार्यवाही करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर एक 3-स्तरीय स्थापना की गई है। इन्हें संक्षेप में जिला फोरम, राज्य कमीशन, राष्ट्रीय कमीशन के संक्षिप्त नामों से पुकारा जाता है। तो राष्ट्रीय कमीशन की स्थापना केंद्रीय सरकार करती है, तो राज्य कमीशन और जिला फोरम की स्थापना प्रत्येक जिलों में राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। यह एक सिविल न्यायालय के समक्ष कार्यवाही की साधारण प्रक्रिया का विकल्प है। उपभोक्ता न्यायालय मंच उपभोक्ता की शिकायत के लिए सरल, शीघ्र और कम खर्चीला निवारण प्रदान करने के लिए अधिवेशित किया गया है। तो शिकायत कहाँ दायर करें उनके बारे में हम देखें तो देश में उपभोक्ता
मंचों का कंप्यूटरीकरण और कंप्यूटर नेटवर्किंग होने के बाद से प्रयोक्ता अब ऑनलाइन अपने मामलों पर भी नज़र रख सकते हैं। यह इंटरनेट आधारित प्रकरण निगरानी प्रणाली है जिसे उपभोक्ता मंचों पर कार्य को बढ़ाने के लिए विकसित किया गया है, जो मामला पंजीकरण से आरंभ होकर निर्णय की घोषणा तक चलता रहता है। तो प्रयोक्ता वाद सूचियाँ, निर्णय और मामलों की स्थिति की खोज कर सकता है। अब वे कंप्यूटर और नेटवर्किंग के आधारित ऑनलाइन मामलों पर भी वे कार्यवाही कर सकता है। तो वैकल्पिक विवाद निवारण के लिए क्या व्यवस्था है उनके बारे में जाने तो शीघ्रतापूर्वक उपभोक्ता संसाधन और शिकायत निवारण सेवा प्रदान करने के लिए उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा अब ऑनलाइन उपभोक्ता शिकायत, फोन और SMS आधारित शिकायत आदि जैसी अन्य अनेक प्रणालियों की सुविधा भी दी गई है, जिनके द्वारा व्यक्ति अपने साथ की गई धोखाधड़ी की शिकायत अब ऑनलाइन भी कर सकता है या SMS के जरिए भी कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति को इन सभी के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो वो उपभोक्ता न्यायालय में जाकर वहाँ पर अपनी शिकायत के बारे में बता कर भी किसी की हेल्प ले सकता है। तो उपभोक्ता ऑनलाइन संसाधन और अधिकारिता केंद्र कोर क्या है उनके बारे में देखें तो उपभोक्ता ऑनलाइन संसाधन और अधिकारिता केंद्र कोर से उपभोक्ता की शिकायतों का ऑनलाइन निवारण तथा उपभोक्ता समर्थन में सहायता भी प्राप्त होती है। प्रयोक्ता लिंक पर क्लिक द्वारा ऑनलाइन शिकायत दायर कर सकता है या टोल फ्री नंबर 1800-1804566 पर कॉल करके भी अपनी शिकायत के बारे में बातचीत कर सकता है। तो इनके बाद देखते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन क्या है, यानी NCH। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन किसे कहा जाता है तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन NCH में अनेक प्रकार की समस्याओं से निपटने के लिए उपभोक्ता की ज़रूरतों को पहचाना गया है, जो व्यापार और सेवा प्रदाताओं के साथ प्रतिदिन के लेन देन से उत्पन्न होती है। यानी व्यापार और सेवा प्रदाताओं के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी हुई है तो जिनमें राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन हमारे लिए उपयोगी है। NCH द्वारा एक राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर दिया गया है जहां पर कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत को समझा सकता है और अपने साथ किए गए धोखाधड़ी का लाभ भी ले सकता है। NCH द्वारा एक राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर 1800-1104000 BSNL के जरिए यह एक नंबर दिया गया है। तो अन्य प्रयोक्ता 0112700650 डायल कर सकता है और जहां पर अपना नाम और शहर का उल्लेख करते हुए 8809397 पर SMS भी भेज सकता है और प्रयोक्ता इसकी वेबसाइट के उपयोग द्वारा ऑनलाइन शिकायत भी दायर कर सकते हैं। आप यहां देखेंगे तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन में कई ऐसे टोल फ्री नंबर दिए गए हैं जिन पर कॉल करके भी आप अपनी शिकायत दायर कर सकते हैं या SMS के द्वारा भी अपनी शिकायत को लिखवा सकते हैं। तो ये हेल्पलाइन उपभोक्ताओं की यह हेल्पलाइन राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन जो है वे हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। आप राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन का भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये हेल्पलाइन उपभोक्ताओं की सुविधाओं के लिए ही बनाई गई है। इस हेल्पलाइन का प्रयोग करने का फायदा यह होता है कि इसका प्रयोग करके हमारे प्रश्न का उत्तर हम अपनी ही भाषा में प्राप्त कर सकते हैं। तो कंज्यूमर कोर्ट की रचना इसलिए की गई है ताकि हमें साधारण कोर्ट में हमें अपने केस को बहु लंबे समय तक न रखना पड़े। इसलिए कोई भी सेवा में धोखाधड़ी और शोषण होने पर हमें बेझिझक उनका प्रयोग करना चाहिए और अपने साथ हुई धोखाधड़ी का क्या करना चाहिए, बदला लेना चाहिए। इस तरह राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर का प्रयोग करके हम अपनी शिकायत करके हेल्प भी ले सकते हैं। तो
तो आगे देखते हैं उपभोक्ता जागरूकता के बारे में। उपभोक्ता जागरूकता क्या है, या तो जागो ग्राहक जागो का नारा क्यों इतना प्रचलित हुआ है, जो आम जनता की सुरक्षा के लिए ही प्रयोग किया गया है। तो जागो ग्राहक जागो के बारे में अब हम अधिक जानकारी देखते हैं, या तो उपभोक्ता जागरूकता क्या है उनके बारे में जानते हैं। हमें अपने कर्तव्यों का पालन और जागृति करके सही रास्ता दिखा सकती है, यह उपभोक्ता जागरूकता। अगर कुछ कहीं गलत हो रहा है तो उसके सामने आवाज़ उठाने की तैयारी और उसमें सहायक होने के कानून के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। एक जागरूक उपभोक्ता एक सशक्त उपभोक्ता माना जाता है। तो एक जागरूक उपभोक्ता न केवल स्वयं को शोषण से सुरक्षित रखता है, बल्कि यह संपूर्ण निर्माण और सेवा क्षेत्रों में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को भी बढ़ावा देता है। उपभोक्ता सशक्तिकरण के महत्व को पहचानते हुए उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा उपभोक्ता शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण और उपभोक्ता जागरूकता को सर्वोच्च प्राथमिकता भी दी गई है। तो इस तरह हम कहें तो एक जागरूक उपभोक्ता एक सशक्त उपभोक्ता भी कहा जाता है। वह जागरूक उपभोक्ता न केवल स्वयं को शोषण से सुरक्षित रखता है, बल्कि संपूर्ण निर्माण और सेवा में अपने आप को सुरक्षित भी रख सकता है। तो अब देखते हैं जागो ग्राहक जागो का नारा क्यों प्रचलित हुआ है। जागो ग्राहक जागो का नारा अब घर घर में पहचाना जाता है, जो पिछले 5 वर्षों में किए गए प्रचार अभियान का परिणाम है, जिसमें हम बात करें तो हम में से किसी न किसी व्यक्ति उपभोक्ता है, यानी किसी न किसी चीज़ का उपयोग करते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार कोई व्यक्ति अपने उपयोग के लिए सामान खरीदता है तो वह उपभोक्ता है। आज उपभोक्ता जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट, अधिक दाम इत्यादि जैसे संकट में घिरा हुआ है, तो जिनमें से बचने के लिए यह जागो ग्राहक जागो का नारा प्रचलित किया गया है, ताकि इनका प्रयोग लोगों की जागरूकता के लिए हो सके। जागो ग्राहक जागो का नारा घर घर में पहचाना गया है, पिछले 5 वर्षों में किए गए प्रचार अभियान का यह परिणाम है। उपभोक्ता जागरूकता पर लगातार बल देकर 11वीं पंचवर्षीय योजना में सरकार ने आम आदमी को उपभोक्ता के रूप में उसे अधिकारी की जानकारी देने के लिए यह प्रयास आरंभ किया गया था। तो उपभोक्ता जागरूकता योजना के भाग के रूप में ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, ताकि वे लोग अपने साथ होने वाली धोखाधड़ी के प्रति जागरूक हो सके और अपने को शोषण से बचा सके। सरकार ने जागरूकता पैदा कराने के लिए अनेक चैनलों का भी आज इस्तेमाल किया है, जिसमें शामिल है प्रिंट मीडिया, विज्ञापन, ऑडियो अभियान या तो वीडियो अभियान आदि। इन ऐसे सोशल मीडिया के द्वारा आज उपभोक्ता को जागरूक कराने का प्रथम प्रकार का प्रयास किया गया है, ताकि शहर विस्तार में तो व्यक्ति ऐसे धोखाधड़ी से बच सकता है, परंतु ग्रामीण इलाकों में भी लोगों को ऐसी धोखाधड़ी से जागरूक कराया जा सके, ताकि वे ऐसे जमाखोरी, कालाबाजारी या तो मिलावट वाली चीज़ों से बच सके और अपने आप को शोषण से बचा सके। इस तरह जागो ग्राहक जागो का नारा लोगों के हितों के लिए ही यह तैयार किया गया है, जिसमें लोगों को एक तरह से जागरूक कराने का ही प्रयास आरंभ किया गया है। उनके बाद हम देखते हैं मानकों का उन्नयन के बारे में। यह मानकों का उन्नयन क्या है उनके बारे में हम जाने, तो उन्नयन यानी अपग्रेड करना, या तो उन्नयन या तो प्रगति करना। भारत सरकार ने सभी नागरिकों की आर्थिक हितों की रक्षा के लिए लगभग हर उत्पादक के लिए मानकों को बनाया है, जैसे कृषि क्षेत्र के लिए एक मार्ग है, बिजली के उत्पादक के लिए ISI मार्ग है, सोने चांदी के लिए BIS मार्क निश्चित किए गए हैं, तो सभी प्रसंस्कृत फल उत्पादक के लिए
FPO मार्क प्राप्त है। इस तरह कई मानक उन्नयन के द्वारा धोखेघड़ी से बचा जा सकता है। तो भारत सरकार का उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय जागो ग्राहक जागो के विज्ञापन से भी लोगों को उनके अधिकार के प्रति जागरूक करने का काम करता है कि आप ऐसे मानकों को देखकर या तो उनको पहचानकर अपनी चीज़ें खरीदें ताकि उनमें होने वाली धोखेघड़ी से बच सके। उपभोक्ता को अपने अधिकार के लिए सहायता करने के लिए इन मानकों की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसमें हम जाने तो उपभोक्ता को अपने अधिकारों का उपयोग करने में सहायता देने के लिए गुणवत्ता और मानकों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। मानक उपभोक्ताओं को गुणवत्ता के विश्वसनीय बेंचमार्क प्रदान करते हैं। विभाग गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए एक आर्थिक रूपरेखा के रूप में अपना एक स्थान बनाने में मानक उन्नयन सफल रहा है। भारतीय मानक ब्यूरो ने ISO मानक के अनुसार विदेशी विनिर्माताओं के लिए प्रमाणन योजनाओं और आयातित वस्तुओं खाद्य सुरक्षा प्रमाणन को आरंभ किया है। तो स्वर्ण आभूषण और रजत से बनी यानी चांदी से बनी हुई वस्तुओं की होलमार्किंग के लिए प्रमाणन की योजना उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा में BIS का भी महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया है। इन प्रयासों के अलावा मानक मुहर जैसे ISI मुहर के लिए उत्पादक प्रमाण पत्र की योजना, एक मार्क फल उत्पादन आदेश FPO, शाकाहारी और मांसाहारी मुहर, हथकरघा मुहर, रेशम मुहर, ऊन मुहर आदि भी उत्पादक मानकीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज आप देखेंगे तो किसी भी क्षेत्र में कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो उनका एक मानक उन्नयन है, जिनका प्रयोग मनुष्य को अपने साथ होने वाली धोखेघड़ी से बचाता है, जिनका प्रयोग करके व्यक्ति उन चीज़ों की सही मात्रा को पहचान सकते हैं या तो उनकी सही बाबतों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सच्ची चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार होल मार्किंग, एग मार्किंग, FPO, BIS कई ऐसे मानक हैं जिनके द्वारा व्यक्ति सुरक्षित चीज़ों को प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह मानकों के उन्नयन का अपना ही एक अलग महत्व है। इस प्रकार अलग अलग उत्पादक के लिए अलग अलग मुहरों द्वारा मानकीकरण भी किया गया है। इस तरह किसी भी क्षेत्र में किसी भी चीज़ में मानक उन्नयन का अपना ही एक अलग महत्व है। तो अब जानते हैं कैसे आवेदन करें। यदि आपको कोई भी शिकायत दायर करनी है तो आप अपना आवेदन पत्र किस तरह लिखेंगे या तो किस तरह शिकायत करेंगे उनके बारे में अब जानकारी देखते हैं। उपभोक्ता अदालत में आप सादे कागज पर लिखकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यदि आप किसी भी चीज़ से धोखेघड़ी में आ गए हैं या तो इन धोखेघड़ी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप आवेदन किस तरह करेंगे, तो उपभोक्ता अदालत में आप सादे कागज पर लिखकर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अपनी शिकायत आवेदन पत्र में विस्तृत रूप से लिख सकते हैं। तो उपभोक्ता मामले की शिकायत या सुनवाई के लिए वकील करना जरूरी नहीं है, आप खुद ही अपना पक्ष रख सकते हैं। इसके अलावा व्यस्तता अथवा किसी अन्य कारण से सुनवाई में नहीं जा पा रहे हैं तो कोई परिचित व्यक्ति या रिश्तेदार भी आपका प्रतिनिधित्व कर सकता है। इसके लिए न्यायालय में एक प्रतिकार पत्र प्रस्तुत करना होता है। यदि आप नहीं पहुंच पाते तो आपके परिचित व्यक्ति या रिश्तेदार आपका प्रतिनिधित्व कर सकता है। इनके लिए आपको न्यायालय में एक प्रतिकार पत्र प्रस्तुत करवाना होता है। वैसे अपना पक्ष रखने के लिए आप वकील करना चाहे तो वकील भी कर सकते हैं। इस तरह आप आवेदन कर सकते हैं। तो उनके साथ कुछ आवश्यक दस्तावेज जोड़ने की भी ज़रूरत रहती है। वह किस तरह से कार्य करते हैं उनके बारे में देखें तो आवेदन के साथ सभी जरूरी दस्तावेजों जैसे बिल, वाउचर, गारंटी पत्र, सेल डीड आदि की फोटोकॉपी संलग्न यानी जोड़नी होती है। इसके साथ एक शपथ पत्र भी बनवाना होता है जिसमें इस बात का जिक्र होता है कि मुकदमा किसी दुर्घटना से दायर नहीं किया गया है और यह पूर्णतः सत्य साक्ष्यों पर आधारित है। तो इसके साथ ही
जिसके खिलाफ शिकायत कर रहे हैं उस पार्टी को भी एक नोटिस भेजना होता है। हम जिस चीज़ की शिकायत करते हैं तो उन शिकायत के आवेदन के साथ हमें ज़रूरी दस्तावेजों को जोड़ना भी ज़रूरी रहता है, ताकि हम अपना पक्ष सही साबित कर सकें और जिसके सामने हम शिकायत कर रहे हैं उस पार्टी को भी एक नोटिस भेजनी होती है, ताकि वह भी अदालत में अपना पक्ष रखना चाहे तो रख सकता है। इस तरह आवश्यक दस्तावेज को जोड़ना बहुत ही जरूरी रहता है। तो उपभोक्ता मामलों की शिकायत के लिए कौन सी व्यवस्था है उनके बारे में हम थोड़ा अधिक देखें तो उपभोक्ता मामलों की शिकायत के लिए देश में जिला स्तर पर उपभोक्ता अदालतें बनी हुई है, जहां 20 लाख रुपए तक के मामलों की सुनवाई हो सकती है। यहां पर हमने देखा कि शिकायत के लिए देश में जिला स्तर पर उपभोक्ता अदालतें बनी हैं, जहां पर 20 लाख की रुपए तक की मामलों की सुनवाई हो सकती है। तो 1 करोड़ तक के मामले राज्य उपभोक्ता फोरम में आते हैं। यदि 1 लाख से अधिक 1 करोड़ तक के जो मामले होते हैं उनकी शिकायतें हम राज्य उपभोक्ता फोरम में कर सकते हैं। तो इससे 1 करोड़ से अधिक यानी इससे अधिक ज़्यादा राशि के मामलों की सुनवाई राष्ट्रीय आयोग में हो सकती है। उपभोक्ता मामलों में धोखाधड़ी या उत्पादकों की गारंटी अवधि यानी समय से पहले खराब होने के 2 साल के भीतर ही शिकायत दर्ज करवानी जरूरी होती है। समझ लीजिए, आपने कोई चीज़ खरीदी है और यदि उसमें आपको कोई त्रुटि नज़र आती है या तो उनके लिए आप शिकायत करवाना चाहते हैं, तो चीज़ की खरीदने के समय के पहले खराब होने के 2 साल के भीतर ही आप क्या करेंगे, शिकायत कर सकते हैं। यानी 2 साल के भीतर ही शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है, उनके बाद हम शिकायत दायर नहीं कर सकते। इसके साथ ही आपको मामला दर्ज करवाने में हुए विलम्ब और उसकी वजह का भी जिक्र करना होता है। इस तरह हम कहें तो उपभोक्ता शिकायतों को सरल, शीघ्र और कम खर्चीला और निवारण प्रदान करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर 3 स्तरीय अर्थ न्यायिक मशीनरी की संरचना की गई है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत करने की सभी विशिष्ट जानकारी के बारे में देखा है और हमने देखा कि यदि कोई उपभोक्ता कोई चीज़ का उपयोग करता है और उसमें उसके साथ यदि धोखाधड़ी हुई है तो वे एक ऐसे मंच पर अपनी शिकायत दायर कर सकता है जहां पर उन्हें सुनवाई के लिए अपनी प्रतीक्षा करनी होती है और सच्ची सुनवाई प्राप्त हो सकती है, वे उनका लाभ ले सकता है। इस तरह यहां पर हमारा पूरा टॉपिक समाप्त होता है। इस पूरे टॉपिक में हमने देखा कि उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत के लिए कौन सी व्यवस्था होती है या शिकायत कैसे दायर की जा सकती है, उनके लिए कौन कौन सी हेल्पलाइन नंबर है या जागरूकता क्या है, उपभोक्ता जागरूकता क्या है, जागो ग्राहक जागो का नारा जो है वो मनुष्य के लिए किस तरह उपयोगी हो गया है, या तो मानक व्यवस्था किस तरह से मनुष्य को सही उपयोगी की पहचान सही चीज़ों की पहचान कराने के लिए उपयोगी है, या यदि किसी शिकायत का आवेदन करना है तो हमें कौन कौन से ज़रूरी दस्तावेज को जोड़ना होता है, इन सभी बातों की जानकारी हमने यहाँ पर देखी है। इस पूरे टॉपिक के आधारित हमने उपभोक्ता न्यायालय शिकायत के बारे में जानकारी देखी है, ताकि कोई भी उपभोक्ता शिकायतों के लिए सरल, शीघ्र तथा कम खर्चीला निवारण प्रदान के लिए यहाँ पर उनके लिए एक सुविधा अधिवेशित है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा यह टॉपिक समाप्त होता है। इनकी समझौती के आधारित आप इनके स्वाध्याय के प्रश्न अपनी नोटबुक में लिखेंगे। नमस्ते, थैंक यू।